दोस्तों, जेल की दीवारें सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं, जिनके एक तरफ तेज रफ्तार दुनिया अपनी गति से आगे बढ़ती है, वही दीवार के इस तरफ मानो वक्त थम सा जाता है। लेकिन जेल इसी का नाम है जो कैदियों को उनकी गलतियों का एहसास कराता है और कैदियों को अपनी रिहाई तक का समय काटना पड़ता है। लेकिन इतिहास इन्हीं कैदियों पर बहुत बेरहम रहा है, जहाँ पर यह कैदियों की रिहाई तो बहुत दूर की बात है, बल्कि वह अपने जीने की आस तक छोड़ देते हैं। कैदियों को इंतजार रहता था तो केवल मौत आने का, जो उन्हें इस दर्दनाक जिंदगी से छुटकारा दिला सके। दोस्तों, आज का यह वीडियो इतिहास के ऐसे ही दर्दनाक और निर्दयी जेल के बारे में है, जिनकी यातनाएं अर्थात सजा जानकर किसी भी इंसान की रूह कांप सकती है। रूस और चीन के बीच मौजूद पूर्वी एशिया का देश मंगोलिया कभी अपने कैदियों को ऐसी यातनाएं देता था, जिनके बारे में सोचकर किसी की भी रूह कांप सकती है। 20वीं सदी की शुरुआत तक इस देश में कैदियों को दंड के रूप में 3 से 4 फीट के एक बक्से में कैद कर दिया जाता था, जिसमे कैदी न ठीक से बैठ सकता था और ना ही लेट सकता था। मंगोलिया में मौजूद पुरकाजी में ऐसे ही लाखों कैदियों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी, जहां उन लोगों के इन्हीं बक्सों में कैद कर दिया जाता था। डेथ कॉफिनस नाम से मशहूर 3x4 के यह बक्से कहने को तो सजा देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन असल में ये अपने नाम की तरह मौत का साधन थे, जिसमे जाने के बाद किसी की रिहाई तब तक नहीं होती थी जब तक की वह अपने प्राण न त्याग दे। लगभग 6 इंच का एक छोटा सा छेद जो खाना खाने के लिए होता था। वही कैदियों द्वारा किए गए मलमूत्र को भी कई हफ्तों तक इस बक्से से साफ नहीं किया जाता था। इतनी यातनाएं देने के बाद भी अगर इन कैदियों पर कोई दया की जाती थी तो वह यह थी, यह लोग अपनी मर्जी से सर्दियों के मौसम में खुले आसमान के नीचे इन बक्सों में रह सकते थे, ताकि तापमान गिरने से इनकी मौत हो सके। शायद अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में खुले आसमान के नीचे अपनी जान देना पूरी जिंदगी इस नरक में सड़ने से कहीं बेहतर रहा होगा। माना जाता है कि प्राचीन रोम के सम्राट अंकस मार्सेस ने ही सबसे पहले दंड देने की प्रथा की शुरुआत की थी, और 640 ईसा पूर्व में सजा देने के लिए कारागार भी बनाई गई थी, जिसे आज हम मेमेटिन कारागार के नाम से जानते हैं। यह कोई खुले आसमान के नीचे 4 दीवारों से घिरे जेल नहीं थे, बल्कि एक भूमिगत नाला था, जिसकी गहराई लगभग 6.5 फीट और लंबाई 30 फीट थी। लगभग 22 फीट चौड़ाई वाले इस नाले से होकर पूरे इलाके का मलमूत्र बहता था, जहाँ कैदियों को उनकी सजा की सुनवाई तक रहना पड़ता था। किस्मत से राजा के सामने अगर पेशी हुई तो ठीक, वरना कई दिनों तक भूखे प्यासे कैदी इस नाले में ही अपना दम तोड़ देते थे। माना जाता है कि सुनवाई तो एक बहाना थी, असल में इस कारागार के वजूद में आने की असली वजह ही कैदियों को मौत देना था, जिससे कि पूरी शासन को याद रहे कि जिस किसी ने भी कानून का उल्लंघन करने की कोशिश की है, उसे ऐसी क्रूर यातनाएं झेलनी पड़ सकती है। इस नाले को कारागार के रूप में इस तरह से बनाया गया था कि जिस किसी की भी मौत इसके अंदर हो, उनके शव खुद ब खुद एक दरवाजे के रास्ते नदी में बहकर बहुत दूर चले जाए। खैर, मेमेटिन कारागार तो आज के दौर में एक चर्च के रूप में परिवर्तन हो गया है, लेकिन ईसा पूर्व के उस युग में इसने कितने कैदियों की दर्दनाक तरीके से जान ली होगी, शायद हम कल्पना भी ना कर पाए। अमेरिकी सिविल वॉर एक ऐसा गृह युद्ध है जिसने सदियों से चली आ रही स्लेवरी यानी गुलामी की प्रथा को जड़ से उखाड़ दिया और लाखों गुलामों को आजादी से रहने और जीने का हक दिलाया। लेकिन दोस्तों, गुलामी से आजादी वाली इस सुबह तक का सफर इतना आसान नहीं था। दोस्तों, वह सोच जिसने क्रांति का रूप ले लिया और अपने ही नागरिकों को बागी बना दिया। साल 1861 से लेकर 1865 तक चलने वाले इस युद्ध में उन लोगों को बंदी बनाया गया जो गुलामी के विरुद्ध में खड़े हुए थे। इन लोगों का बलिदान सिर्फ कैद होने तक सीमित नहीं था, क्योंकि जिस कारागार में उन्हें कैद किया गया था, उस जेल का नाम था एंडरसन विलय, एक ऐसा कारागार जिसके आगे शायद नर्क भी बेहतर जगह लगे। दोस्तों, इतिहासकार इस जेल के बारे में बताते हैं कि इस युद्ध के दौरान एंडरसन विलय अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा कैदियों से भरी हुई थी, जहाँ कैदियों के खाने पीने का कोई भी इंतजाम नहीं था। यहाँ तक कि वह लोग मलमूत्र भी वही करते थे, कुछ भूख और प्यास से दम तोड़ देते थे और बचे हुए कैदियों को जानलेवा बीमारी घेर लेती थी। एंडरसन विलय के इन भयानक हालातों पर कई लेख भी लिखे गए, जहाँ उन बंदियों को एक जिंदा लाश तक बताया गया। दोस्तों, युद्ध तो समाप्त हुआ, दोषियों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन इन कैदियों को इंसाफ कभी न मिल सका और गुलामी से जो आजादी मिली उनका जश्न मनाने के लिए ये लोग तब जिंदा नहीं थे।